आर्मी को, पुलिस को, सीआरपी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया है और उनकी भी जाने चली गई, लेकिन कभी कभी वो आउट ऑफ जरा गोल से बाहर जाते हैं, तो वहां तो उनको जिम्मेदारी लेनी हो। मेरे वक्त में भी ऐसी ही हुई थी, वो वहां सेब बेचने वाले श्रीनगर में रेडी वाले तीन थे और उनको बताए 3 साल पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए और उनको मार दिया, और बाद में जब खबरें निकाली तो वो उनको उठा गया था 3 लोगों को लाल चौक से, रेडी वालों को जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी कभी नहीं गए थे, तो उनको मार दिया था। तो 13 लोग उसमें कश्मीरी ही थे, हमारे स्टेट के आर्मी नहीं थे, जम्मू कश्मीर के, सुनिए, और 13 लोग आज 13 साल से जेल में हैं। अभी ये जो हैदरपुरा में हुआ, कहा मिलिटेंट मार दिए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि डॉक्टर मार दिया, मालिक मार दिया और एक मजदूर मार दिया, तो क्या होगा? तो ये, लेकिन यहाँ अभी आईजी बोलता है हम टीम बनाएंगे पुलिस की, पुलिस मारने वाले भी पुलिस और टीम भी वही करे। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे मरे हैं, क्यों मरे हैं, ये पुलिस का केस है, आर्मी का केस नहीं है, तो यहाँ जुडिशियल इंक्वायरी करनी चाहिए पुलिस को। जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी है उन्होंने आज जुडिशियल प्रोब की घोषणा, मैजिस्ट्रियल प्रोब की ऑर्डर किया सर। हाँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो तहसीलदार होता है, यहाँ जज होना चाहिए, शुड बी मैजिस्ट्रेट तो एसडीएम होता, शुड बी हाई कोर्ट जज, शुड बी हाई कोर्ट जज। व्हाइल आई रेस्पेक्ट द पुलिस, आई बीन ए ग्रेट सपोर्टर एंड ग्रेट एडमायरर ऑफ द आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, बट एट द सेम टाइम वी शुड इंश्योर दैट सच थिंग्स डू नॉट हैपन, एंड दैट टू इन श्रीनगर सिटी। इफ सच थिंग्स हैपन इन श्रीनगर कैपिटल, सिटी कैपिटल, then the people will raise so many eyebrows that what must be happening in the hinterland. Normally kahin bhi badi jhadap hoti hai choti army ke beech mein, militants ke beech mein, security crp ke beech mein, militants ke beech mein, police ke beech mein, isme ya kahin killing hoti hai to hafte mein to pakda hi jata tha. Yahan lagatar 20 din mein 6-7-8 टारगेटेड किलिंग हुई, लेकिन आज 3 महीने हुए कुछ पता नहीं है। अय्याज साहब तो उसकी भी, उसका भी प्रूफ होना चाहिए कि क्यों नहीं हुई।